क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की तरफ। तो अभी मुझे जो दिख रहे हैं उनमें है युहान भाई, तो युहान भाई को ऐड करते हैं। जी युहान भाई, हेलो। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जी जी, वैसे कैसे भाई, आप डीस्थिज्म के बारे में सुने, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, किसके बारे में? डीस्थिज्म, डीस्थिज्म, DYESTHISM। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जहाँ के ये माना जाता है कि गॉड गुड भी नहीं है कि इविल भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, उसका कोई मोरल नहीं है, मतलब ये माना जाता। थोड़ी दोबारा से मुझे स्पेलिंग बताएंगे इसके, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, DYES, सॉरी सर, DYS, हाँ DYS, उसके बाद थीजम टाइप। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके बारे में आप बता रहे थे हमें। हाँ, DYS थीजम, उसका का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, कि वो गॉड गुड भी नहीं है कि इविल भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, मतलब उसका कोई मोरल एट्रीब्यूट नहीं है, तो उसको मैं सच साबित करना हूँ। तो उसको पहले समझते हैं कि उसको सच साबित करने से एक हमें ये साबित करना पड़े कि इस्लाम में जो गॉड है वो अच्छा नहीं है, तो ये मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। और फिर उससे पहले मैं ये एक चीज जानना है कि अच्छा या बुरा, मतलब कैसे है, उसको जज करने के लिए एक उसूल हम रखते हैं, आप एग्री करते हैं कि नहीं, ये एक बताइए। जो भी एक्ट कोई इंडिविजुअल करे उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सारा इंसानियत का भला कर रहा है कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक कोई एक इंडिविजुअल को अच्छा होने के लिए, क्या आप इसको मानते हैं? मतलब आप खुद डीथिज्म को मानते हैं आप? नहीं, नहीं, पर उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है मेरे को मतलब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब। आप अगर उसे ठीक साबित कर रहे हैं तो आप उसे ठीक मानते भी तो होंगे ना, कम से कम। नहीं, मतलब मैं जो अभी उसूल बताया तो वो उसूल के हिसाब से मतलब कोई भी रिलीजन का गॉड अभी तक अच्छा साबित नहीं हो पाया। मैं सही समझ नहीं पा रहा कि आप डिस्ट्रीज्म को आप समझते भी नहीं हैं ठीक, लेकिन आप उसको ठीक भी साबित करना चाहते हैं। आई मीन, इफ यू वांट मी टू बी कन्विंस्ड कि ये ठीक है, तो आप खुद क्यों नहीं कन्विंस्ड उस पे पूरी तरह से, इनके अभी तक आप क्यों बुद्धिस्ट हैं? नहीं, क्योंकि मैं गॉड को मानता नहीं ना, मैं सिर्फ बुद्धा को मानता हूँ इसीलिए। पर मतलब मैं अगर ये मानता हूँ अगर कोई गॉड भी होगा तो वो ये डीस्टिज्म का गॉड हो सकता है, और कोई रिलीजन गॉड नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ अगर गॉड होगा तो। तो वो किसका गॉड होगा? डीस्टिज्म का जो गॉड है वो वही होगा। क्यों आपको लगता है ऐसे? क्योंकि अगर गॉड में ये एक ऑब्जेक्टिव में जो उसूल बता ना कि कोई अच्छा कैसे हो सकता है, उसके जज करने के लिए एक क्राइटेरिया कि उसका हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सारे इंसानियत का भला कैसे करे, ये आप मानते हैं ना? तो अगर अल्लाह या फिर दूसरे रिलीजन के गॉड अगर इंसानियत का भला करने का सोच रखते हैं, सारे इंसानियत का, तो वो लोगों को अर्थ में पैदा नहीं करते, वो डायरेक्ट जन्नत में ही लोगों को पैदा करते हैं, और वहां पे एटर्नल लाइफ और कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता, तो वो सब होता अगर वो रास्ता चूज करते तो। इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दिगम हो जाता है। लेकिन ये तो एग्जैक्टली आपके आइडिया के खिलाफ जा रही है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, राइट? नहीं, अच्छा होने के लिए मैं जो क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया के हिसाब से गॉड को ये करना चाहिए था ताकि वो अच्छा प्रूफ हो सकता था, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन आपको जो इसमें सारी बात में जो दिक्कत है ना आपको, वो ये है कि अगर आप अच्छाई और बुराई को खुदा से इंडिपेंडेंट कोई देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अच्छाई और खुदाई, अच्छाई और बुराई जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है, राइट? विच मीन्स के ये चीजें खुदा से इंडिपेंडेंटली पहले से ये एग्जिस्ट करती हैं कि ये अच्छाई है और ये बुराई है। और अगर खुदा पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि खुदा अच्छा है और बुरा है, और खुदा अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई, ये पर्टिकुलरली अच्छाई विच इज नो लॉन्गर ग्राउंडेड इन गॉड, तो ऐसे खुदा को मानने की जरूरत ही क्या है जिसके ऊपर एक इंसान जजमेंट अप्लाई कर सके कि ये अच्छा है या बुरा है, या दोनों ही नहीं है। नहीं, अच्छा बुराई को आप ऑब्जेक्टिव मानते हैं ना, जो ह्यूमन सेंस में, मतलब ये देर इज ऑब्जेक्टिव। द प्रॉब्लम देर, आप जो आपके नजदीक जो अच्छाई है वो मेरे नजदीक शायद अच्छाई ना हो, तो गॉड पे कैसे हम फैसला कर सकते हैं?
नहीं ना, ये ऑब्जेक्टिव में बता, ये सारे इंसान ऑब्जेक्टिवली मानते हैं कि सारे इंसानियत का भला है, उसको ऑब्जेक्टिवली मानने के लिए योहान, उसको ऑब्जेक्टिवली मानने के लिए जरूरी है ना कि हम इसे किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग में ग्राउंड करें। लेकिन जिस ट्रांसेंडेंट बीइंग पे हमने ग्राउंड करना है उसी पे हम जजमेंट अप्लाई कर रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। नहीं, उसको बिना ग्राउंड करे भी हम ऑब्जेक्टिवली मान सकते हैं ना सारे इंसानियत को। सारे इंसानों को अगर हम पूछेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो सारे नहीं बोलेंगे ना, उनका कोई रीजन ही नहीं रहेगा, कोई जरूरी तो नहीं है। व्हाट वुड यू डू अगर 50% का अपना माइंड चेंज कर लें, फिर ऐसा कर ही नहीं पाएंगे ना, यही प्रॉब्लम। मैं अगर बोलूंगा सारे इंसानियत का, नहीं सारे इंसानियत, आपको पूछ रहा हूँ ना मैं, आप सारे इंसानियत का अच्छा चाहते कि नहीं, तो आप हाँ ही बोलेंगे ना। मैं तो चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छाई क्या होती है। जब गॉड के बारे में हम बात ये कर रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, या अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इन कॉन्सेप्ट्स को हम गॉड से इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर रहे हैं। व्हाटएवर यू कॉल अच्छा, इट माइट बी डिफरेंट टू मी, जो मैं जिसको अच्छा कह रहा हूं। और अगर हम सारे के सारे इत्तफाक कर भी लेते हैं, फिर क्या होगा? अगले दिन 50% लोग अपना व्यू चेंज कर दें, फिर क्या करेंगे? गॉड के बारे में हर रोज नई ओपिनियन लेके आएंगे हम। अच्छा, तो फिर आप फिर अच्छा कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी को, अगर ऐसा बात है तो? क्या मतलब अच्छा कैसे प्रूव कर सकते हैं? मतलब कि अगर कोई गॉड अच्छा है या नहीं, तो फिर हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हो कि हम कोई आर्गुमेंट अगर नहीं ला सकते अपने खुद से, तो अगर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव सेंस है गुडनेस का, तो इसका मतलब यह है कि किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग में उसे ग्राउंड करते हैं, तभी वो यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव है ना। हाँ, तो फिर वो फिर उस ऑब्जेक्टिव से वो गॉड कैसे डिबंक हो जाता, उसका मतलब मैं जो भी प्रेमिस रखा था इस तरह से कि आप ये कह रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल अच्छाई जो है वो इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि हम उसको एक ट्रांसेंडेंट बीइंग में ग्राउंडेड वो होती है, दैट इज हाउ वी नो कि ये सही है ये गलत है। लेकिन अगर हम उस ट्रांसेंडेंट बीइंग को जज कर रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो इसका मतलब यह है कि अच्छाई और बुराई तो फिर इंडिपेंडेंट हो गई ना। समझ रहे बात को? हाँ, तो फिर वो गॉड का सारा जिस पे आप जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे भी कैसे? नहीं, मैं जो आर्गुमेंट बोला आप उसको रीजनिंग से आप डिबंक कीजिए ना। मैं बोला कि अगर गॉड चाहता तो सारे इंसानों का भलाई करने के लिए वो डायरेक्ट जन्नत में ही सबको पैदा करके वही रख देता, फिर अर्थ में क्यों पैदा? और अगर गॉड ने ऐसा नहीं चाहा तो फिर वो गॉड नहीं रहा, फिर वो एक बेटर ऑप्शन वो चूज नहीं किया, ये तो ये प्रूफ हो जाएगा ना इसे कि वो अच्छा कर सकता था। लेकिन जिसको आप अच्छा कर रहे हैं, आप उसे, आप देखें, आप जब उसे अच्छा कहेंगे तो अपनी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के तहत कहेंगे। क्या आप ये बात मानते हैं कि जो गॉड की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से सुपीरियर है? हाँ, ये मानता हूँ, पर आपके पास कोई रीजन तो नहीं है ना ये आर्गुमेंट को डिबंक करने का। पूरी बात, पूरी बात सुने ना आप भाई, अपने आर्गुमेंट को आप साउंड और वैलिड साबित करेंगे तो आगे बात होगी ना। अभी तो ये साउंड भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है। कि जब आप ये मानते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है और गॉड की अंडरस्टैंडिंग सुपीरियर है, तो फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि गॉड अगर ये करता तो ज्यादा अच्छा होता? अगर गॉड ने वो नहीं किया, उसके टोटल ऑपोजिट कर दिया, तो उसके गॉड होने में कमी आ गई है फिर आपकी अकल के मुताबिक? नहीं, पर इसके खिलाफ कोई और रीजन मेरे को मिल ही नहीं रहा इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट, तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है ना, मेरी ओपिनियन में ये हो सकती है जो कि है कि गॉड वाकई ही उसके पास एंजल्स हैं, सारा कुछ है, हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही है। व्हाई नॉट क्रिएट वन बीइंग जिसको वो अथॉरिटी दे, एक प्लेनेट पे भेजे कि जाओ जो मर्जी तुमने करना है वो करो, इसलिए कि बाकी जितनी चीजें हैं वो हर एक चीज गॉड के निजाम के तहत चल रही है। फरिश्ते हैं और जितने बीइंग्स हैं वो किए जा रहे हैं, जो कुछ गॉड ने कहा वो उसमें ना ही नहीं कर सकते, कोई फ्री विल नहीं है, दे आर प्री प्रोग्राम प्री डिटरमिन्ड टू डू व्हाटएवर दे हैव टू डू। तो अगर गॉड वाकई ही गॉड है तो वो एक ऐसी क्रिएशन हो उसकी कि जिसको फ्री विल दे के वो कहे कि तुम जाओ, ये प्लेनेट तुम्हारा हुआ, इसमें जो तुम करो, लेकिन जो करोगे उस पे मैं तुम्हें जज करूंगा, और फिर वो लोग फ्री होके काम करें कि गॉड ने इंडिपेंडेंटली इनको इजाजत दे दी है, बता दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, गो यू आर फ्री टू डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन वापस मेरे पास आओगे फिर मैं तुमसे मैं निपट लूंगा कि तुमने अच्छा किया है या बुरा किया है। टू मी देयर इज अ लेस, दिस इज अ गॉड हु इज नॉट थ्रेटन्ड, क्योंकि उसने एक ऐसी क्रिएशन पैदा कर दी है जो उसकी दी हुई नेमतों को यूज करके भी उसका इनकार कर सकती है। नाउ टू मी दैट इज व्हाट गॉड शुड लुक लाइक, गॉड शुड बिहेव। अब आप मुझे कैसे गलत साबित करेंगे और खुद को कैसे ठीक साबित करेंगे जबकि हम दोनों इंसान हैं, आपकी एक ओपिनियन और मेरी दूसरी ओपिनियन है? तो वो तो आप डिबेट से साबित करें कि आप अपना आर्गुमेंट रखो मैं अपना आर्गुमेंट रखूं, ऐसे करके हम ये साबित कर रहे हैं।
डिबेट तो खैर नहीं है लेकिन डिस्कशन तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिस्कशन तो आपने जो अभी रीजन बताया तो इसका काउंटर रीजन मैं दे सकता हूँ कि ये तो ऐसा बात हो गया ना कि मैं कुछ लोगों को गड्ढे में ढकेल दिया और कुछ लोगों को नहीं ढकेला, ये तो ऐसा बात हो गया। योहान दिस इज द आर्गुमेंट, आप उसकी टेक्निकल डिटेल में ना जाएं, यहीं से आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके आर्गुमेंट में क्या गलती है। जब आप कहते हैं ना कि मैं उसका काउंटर ये दे सकता हूं तो इसका मतलब यह है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका भी आप काउंटर दे सकते हैं। आप मुझसे कह सकते हैं कि ए इज गुड, मैं आपसे कह सकता हूं ए इज बैड बी इज गुड, विच मीन्स कि अब हमारा ए और बी के गुड या इवल होने पे कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है। अगर हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि गॉड इज गुड और गॉड इज बैड और गॉड इज नाइदर, जबकि हमारा इस चीज पे इत्तेफाक ही नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड और बैड। सी द प्रॉब्लम आपके आर्गुमेंट में क्या है ना, तो फिर मोरलिटी पर कभी डिबेट ही नहीं हो सकता अगर ऐसे आप बोलोगे तो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है योहान भाई, ठीक फिर अगली बार मैं देखूंगा इस पर आपके आर्गुमेंट पर जरूर। थैंक यू।